वाट स्मार्क बहुत होता है इसमें, जैसे हफ्ता दिन में 600-700 मोबाइल घट जाता है। एक बार इंस्टॉल करके बताते हैं कैसा वाट स्मार्क होता है। तो फिर इसका लेग गार्ड खुलेंगे, पहले लेग गार्ड खुल के चार स्टेट का 52 नंबर की नाट होगा, ये सब खुलेंगे, देखते हैं इसमें क्या हुआ। साउंड तो इतना ख़राब नहीं हुआ, पर ग्रिल गिर गया होगा तो पिस्टल सीज होगा। तो फिर हम साइलेंसर का 52 नंबर की नाट खोल लेते हैं, दो है। कार्बोरेटर का 10 नंबर का दो बोल होता है, जल्दी खुलो जल्दी खुलो। कार्बेटर का 10 नंबर की बोल खुल गया ना, दोनों खुल गया, खुलो खुलो। तो 52 नंबर की स्टेट का तार नाट था, वो खुल जाएगा। जल्दी खुलो, स्पीड लगाओ। तो फिर चार वो नाट खुल गया, चार नाट का अंदर एक वॉशर भी होगा 12 नंबर की, थोड़ा मोटा वॉशर लगता है इसमें। छोड़ दो उसमें निकल गया वो। 8 नंबर की दोनों खुलो, उधर से 10 नंबर की बोल खुल दिया, ये थोड़ा चारते निकल जाएगा, निकल गया। फिर टाइमिंग थी के स्प्रोकेट का 2-8 नंबर की बोल होता है, इसमें को खुलना होगा। फिर खुलो, लूज हो गया, टी से खुलो ना, टी से खुलो, जल्दी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स साइलेंसर का नट खुल दिया, नो निकालो ब्रेक चपके। हाँ साइलेंसर निकालता है, छोड़ दो यहीं पे रहने दो, बाद में आता ना। चलो खोलो। तो फिर हम लोग तो पेस्केस फंसा दिए, 8 नंबर के 2 बोल्ट थे, टाइमिंग चेन स्प्रोकेट का लूज हो गया, जल्दी खोलो। ये 8 नंबर के बोल्ट खोलो।
नहीं खुला, जल्दी खुलो जल्दी खुलो, नाट बोल सही से रखो। हाँ रहने दो, यहाँ पे रहने दो। इस पॉकेट निकाल लो, इस पॉकेट एडजस्टर यूज कर दे हम, तो टाइम चलता इस पॉकेट निकाल देंगे। अभी जितना नाट है सारा खुल गया ना, तो चलो इसको हिला, तो फिर हेड को अभी निकाल देंगे। देखे हेड का हालत देखे, रुको एक मिनट रुको। तो फ्रेंड देखे पिस्टन सीज हो गया साइड, ये देखे हिलता है, बहुत ही ढक हो गया, जैसा बेरिंग ढक होता है ऐसा हो गया, पूरा हिलता है, इसलिए टिक टिक आवाज़ करता है, और रिंग भी घिस गया, इसलिए सीधा व्हाट स्मोक मारता है। इसमें हफ्ता दस दिन में एक लीटर मोबाइल ख़त्म हो जाता है, हार्डली दस दिन। देखिए कैसा हिलता है पिस्टन, इसका प्रॉब्लम यही है, पिस्टन सीज हो गया साइड। अभी निकाल के देखते हैं सिलेंडर को, अभी निकाल देते हैं, चलो कैमरा को हटाओ। टाइमिंग चेन का पेट हो गया है, तो फिर बोलोक को निकाल दे, सिलेंडर भी कह सकते हैं। तो इधर देखा सही से देखा, तो फिर अंदर देखे सीज हो गया सिलेंडर, पिस्टन भी सीज हो गया, देखा उधर फिर पिस्टन भी सीज हो गया। पिस्टन पिन को ठुको, तो फिर गजल पिन को अभी के निकाल देते हैं, पिस्टन पिन हो गया, गजल पिन बोलते हैं, ठुको हल्का सा सीज हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, ठुको निकाल गया, छोड़ो छोड़ो निकाल दो पेस केस। तो फिर ये पिस्टन हो गया, ये देखे थोड़ा घिस चुका है, इसलिए आवाज़ करता है टिक 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 टिक। अब इसका गैप भी देखा देते, टॉप वन को निकलते कंप्रेसर वाला, वो भी निकलते, इसका गैप भी देख लेते। तो फिर देखे गैप हो गया, बहुत ही गैप हो गया, टॉप टू हो गया, टॉप वन, तो फिर टॉप वन हो गया। ये देखे फिर ये भी गैप हो गया, इसलिए व्हाट स्मोक मरता है, सीधा ऑयल पिस्टन के ऊपर आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पिस्टन नया डालेंगे, इतना सस्ता लगा हुआ है इसमें, तो फिर ये 25 का लगा हुआ है, हम लोग अभी 50 डालेंगे इसमें पिस्टन रिंग। सिलेंडर को लेना पड़ेगा लेद में, काटिंग करना होगा, 50 का पिस्टन डालेंगे इसमें, और हाल भी हम लोग नया डालेंगे सब। तो फिटिंग का बनाए, तो फिटिंग करने का भी एक वीडियो बनाएंगे, जो यहाँ पे एंड करते हैं फिर।